नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल इंडिया विजुअल्स पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रिसा बंगाल की, जो हमारी 15 खूबसूरत भारतीय गांव की 15वीं सबसे खूबसूरत गांव है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नाओरो वैली नेशनल पार्क के पास 2600 मीटर की ऊंचाई पर एक अनोखा गाँव है रिसाब। यह पहाड़ी गाँव व्यवसायीकरण की बेड़ियों से लगभग उतना ही दूर है जितना आप पा सकते हैं। रिसाब की प्राचीन जीवन शैली आपको उत्तरी बंगाल की समृद्ध संस्कृति और सुंदरता की झलक देगी। ऊंचे देवदार के पेड़ों वाले आकर्षक जंगल और जगह की टिकाऊ लेकिन सुंदरता के बेहद करीब है। रिसाब को नेचर्स डिलाइट यूनिक विलेज भी कहा जाता है। रिसाब पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है और यह एक छोटा गाँव है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ का वातावरण शांत, निर्मल और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इस नाम के साथ कुछ मिथक भी जुड़े हुए हैं। री का अर्थ है पर्वत शिखर और दुकान का अर्थ है दर्शकों पुराने पेड़। रिसाब का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत आकर्षक है। यहाँ के पहाड़, घाटियाँ और हरित पौधों के चादर ने इसे एक नेचर लवर का स्वर्ग बना दिया है। यह गाँव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ के आगंतुकों को मोहित करती है। चीड़ और रोडोडेंड्रोन की पंक्तियाँ वाला अछूता स्थान रिसाब की सुंदरता को बढ़ाता है। यह पश्चिम बंगाल के कालीपोंग जिले का एक छोटा सा गांव है जो प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस सदाबहार गांव से बर्फ से ढकी कंचनजंगा का भव्य दृश्य दिखाई देता है। यह समुद्र से तल से लगभग 2591 मीटर ऊंचा है। रिसाब अपनी स्थानीय संस्कृति और लोक सांस्कृतिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपने प्राकृतिक नृत्य, संगीत और त्योहारों के माध्यम से अपनी विविधता को संजीव रखते हैं। रिसाब के आसपास की जंगली क्षेत्रों में विविधता से भरा प्राकृतिक जीवन है। यहाँ के वन्य जन और वन्य जीव इस स्थान को और भी रोमांटिक बनाते हैं। नए पाए गए गांव के पीछे एक कहानी है। प्रारंभ में सीमित कृषि मौसम पर निर्भर भूमि वाले परिवार का एक समूह था। बाद में यह छुपी हुई हीरे वाली जगह मिल जाती है। रिसाब के आसपास कई तीर्थस्थल हैं जो आकाशीयता और मन को शांति प्रदान करते हैं। यहाँ के मंदिर और साधु संतों के स्थान धार्मिकता और आध्यात्मिकता का एहसास कराते हैं। यह पर्यटकों के लिए एक वास्तविक आरामदायक निवास बन गया है। निकटवर्ती स्थल लावा, लोले गांव, पेंडोंग, ऋषि और रिसोप के अन्य दर्शनीय स्थल आदि हैं। रिसोप मुख्य रूप से एक लेप्चा गांव है। यह कालिम्पोंग से सिर्फ 32 किलोमीटर और लावा से 9 किलोमीटर दूर है। साहसिक दल के लिए लावा से 4 किलोमीटर की पैदल की दूरी तय करनी पड़ती है और बाकी का रास्ता सड़क मार्ग से तय किया जा सकता है। कंचनजंगा का सबसे अद्भुत दृश्य टिफिन डारा नामक जादुई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। नाथुला और जेलेपा लाग को रिसॉप में टिंडी डारा से आंशिक रूप से देखा जा सकता है। यह स्थान अपने अद्भुत दृश्यों में से आपको विस्मित करने में कभी असफल नहीं होगा। बाएं से दाएं देखते हैं तो माउंट खर्ग, कुकथांग, रनथुंग, काबरू, तालुंग, पांडिम, कंचनजंगा, सिमोब, नरसिंह, सिनी ओचलुक को एक स्पष्ट दिन देखा जा सकता है। कुल मिलाकर यह अद्भुत स्थान आपको पहाड़ों, जंगल का मिक्सिंग सौंदर्य दृश्य प्रदान करता है। चहचहाते पक्षी, साफ दिन और रात का आसमान देखने लायक है। लेकिन पर्यटक स्थलों के विपरीत इसमें फैंसी स्टोर और रेस्तरां का अभाव है, जहां जरूरी सामान ले जाना ही बेहतर है। भोजन होटल रेस्तरां में उपलब्ध हैं। रिसॉप में बहुमुखी जलवायु है। यह एक ऐसी जगह है जो सालों भर पर्यटकों को आकर्षित करती है। गर्मियां में सुखद होती है, सर्दियां अत्यधिक ठंडी होती है और मानसून कभी कभी जोखिम भरा होता है। तब भूस्खलन से परिवहन बाधित होता है।
संदर्भ के लिए जलवायु विविधताओं का उल्लेख किया गया है। भीड़भाड़ से दूर एकमात्र शांत स्थान लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। गांव के चारों ओर लंबी सैर काफी आरामदायक है। क्षेत्र के ऊबड़ खाबड़ सड़कें वास्तव में परिवहन का मनोरंजन नहीं करती है। यहाँ ट्रैकिंग और पंछियों की चहचहाट कभी अधिक रोमांचकारी है। रिसाप एक ऐसा स्थान है जो प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और शांति का मेल है। इसे यात्रा का एक अद्भुत अद्वितीय स्थल माना जा सकता है, जो आपको यात्रा में मददगार यादगार बना सकता है। मेरा दावा है कि जो भी इसे अनुभव करेगा वह निश्चित रूप से इसे अपनी सूची में शामिल करेगा। आप सभी मित्रजनों को धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक से एक नए जगह के दर्शन के लिए हम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।